हाय गाइस, आई एम पूजा। वेलकम टू माय चैनल पूजा लॉकडाउन, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, कुकिंग, ट्रैवलिंग एंड मेनी मोर। सो गाइस, आज हम बात करेंगे ब्यूटी के बारे में। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी स्किन को एक्ने फ्री, पिंपल फ्री रख सकते हैं, नेचुरल ग्लो बढ़ा सकते हैं, कैसे सुंदर अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हैं। तो ये क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें हमें जीवन में अप्लाई करनी पड़ेगी जिससे हमारी स्किन अच्छी रहे, तरोताज़ा रहे, हमेशा अच्छी रहे, हमारे पिंपल नहीं हो, हमारे एक्ने सारे खत्म हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है क्लियर एंड पिंपल फ्री स्किन, एक्ने फ्री स्किन। क्या होता है जब हमारे पिंपल्स होते हैं, हमको अच्छा फील नहीं होता है। जिनको भी पिंपल्स होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं, कोई शादी फंक्शन में जाने का मन नहीं करता है, लोगों से मिलने का मन नहीं करता है, ध्यान हमेशा पिंपल पे ही बना रहता है। फिर वो जो भी मार्केट में देखते हैं कि महंगी महंगी क्रीम, फेस वॉश, जो कोई उनको बोलता है वो लाते हैं, फेस पे अप्लाई करते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। सो गाइज, हम क्या कर सकते हैं कि अपनी स्किन को ठीक कर सकते हैं? सो गाइज, सबसे पहले तो हमें इस बात पे ध्यान देना है कि पिंपल का कारण क्या है। हमें पहले पिंपल का कारण जानना है। हम क्या करते हैं, बाहरी तौर पे सफाई करते रहते हैं, क्रीम लगाते हैं, स्क्रब करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन क्या होता है, हम इसका कारण नहीं जानते। तो क्या होता है, पिंपल हमारे आते ही रहते हैं, हर दिन एक ना एक पिंपल हमारे निकल के आता रहता है फेस पे, और वो हमारे फेस को थोड़ा सा खराब दिखाता है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि पिंपल के कारण, तो इसका मेन कारण है कि हम क्या खाते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा ऑयली फूड लेते हैं, फ्राइड फूड लेते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, ब्रेड लेते हैं, जो नेचर हमें देता है हम वो खाना नहीं खा के पैकेट फूड लेते हैं, नूडल्स खाते हैं, फ्राइड खाते हैं, तो क्या होता है, वो हमारे कहीं ना कहीं जाके पेट में इंटेस्टाइन में जमा हो जाता है, वो हमारा बाहर नहीं निकलता पूरा खाना। जब हमारा पूरा खाना बाहर नहीं निकलता तो क्या होता है कि वो हमारे किसी न किसी रूप में, गंदगी के रूप में, वो आके हमारी स्किन पर निकलता है। तो इससे क्या होता है, हमारी स्किन में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले तो ध्यान देने लायक बात है कि हम क्या खा रहे, हमें अपने खाने पे ध्यान देना चाहिए कि हम खाने में क्या ले रहे हैं, और नेचर जो हमें दे रहा है हम वैसे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर हम बहुत ज्यादा बाहर का खा रहे हैं तब तो हमारा पेट में क्या होता है, गंदगी जमा हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमें पेट की गंदगी साफ करनी पड़ेगी, हमें अपने खाना अच्छा लेना। और क्या होता है, जब पेट में गंदगी जमा होती है तो हम क्या करते हैं, फिर जब पिंपल्स आते हैं, एक्ने आते हैं, तो हम बाहरी रूप से ही इसको हमेशा साफ करने की कोशिश करते हैं, वही केमिकल वाले प्रोडक्ट लगाते हैं, बाहर क्रीम वगैरह लगाते हैं। तो केमिकल जब अपने यूज़ करते हैं तो एक बार का तो क्या होता है, वो स्किन को थोड़ा ठीक कर देता है, लेकिन क्या होता है कि बहुत कम टाइम के लिए होता है। स्किन वापस, जैसे ही हम बंद करते हैं वो सब क्रीम वगैरह मार्केट की, तो स्किन हमारी वापस ख़राब होने लग जाती है, वो अंदर से ठीक नहीं होती है। तो हमें ध्यान देना है कि हमारे इंटरनल ठीक होना चाहिए। अगर हमारा अंदर का सब ठीक रहेगा तो हमारी स्किन ऐसे ही ग्लो करेगी, हमारे हेयर्स भी अच्छे होंगे, हमारी स्किन अच्छी होगी, हमारे पिंपल नहीं होंगे, एक्ने नहीं होंगे, और कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, और स्किन हमेशा चमकदार और सुंदर दिखेगी। तो गाइस, इस बात पे ज़रूर ध्यान देना है। सबसे पहले हमें अपना खाने की आदत चेंज करनी है कि खाना कैसे लेना है जो हमारे, जो हमको नेचर दे रहा है। तो अपनी फेस को अच्छा करने के लिए, स्किन को अच्छा करने के लिए केमिकल का यूज़ कम से कम करें या फिर बंद कर दें, ये एक उपाय है। सेकंड उपाय है कि हम अपने अंदर की बॉडी को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसका सबसे अच्छा उपाय है कि कम से कम फास्टिंग करें। अगर हम पूरा फास्ट नहीं करते हैं, वीक में एक फास्ट करना चाहिए, अगर हम नहीं करते हैं एटलीस्ट हर दिन 16 घंटे का फास्ट करें। अब सुन के लग रहा होगा 16 घंटा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें क्या करना गाइस, आपको लगभग 6 से 7 के बीच में शाम को खाना खा लेना है, फिर आपको कुछ खाने का नहीं लेना है। किसी किसी की आदत होती है रात को बहुत जंक फूड लेने की, 10 बजे उठे तो कुछ खा लिया, 11 बजे खा लिया, या फिर डिनर ही 10 बजे करते हैं, रात को चाय कॉफ़ी लेते हैं। तो ये सब चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। अगर हम इवनिंग में 6 से 7 के बीच में खाना खाते हैं, फिर पूरी रात हम कुछ नहीं खाते हैं, फिर हमारा नाश्ता होता है वापस 10 से 11 बजे के बीच में, तो एक हमारा बहुत लंबा गैप आ जाता है। तो ये क्या करता है कि हमारी बॉडी को अंदर से ठीक करता है। इसमें क्या है, बॉडी को टाइम मिल जाता है। अगर हम खाते रहेंगे कुछ ना कुछ लेते रहेंगे तो हमारी बॉडी को टाइम मिलता ही नहीं है सफाई करने का। तो क्या होता है, सब कुछ फूड हमारे अंदर जमा हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि इतना खाने के कारण हमारे बहुत, जो 1 साल पहले खाया ना, वो भी हमारे जमा रहता है, वो सड़ जाता है। अब जो सड़ जाता है अंदर, जब खाना सड़ जाएगा अंदर गंदगी हो जाएगी, तो वो किसी ना किसी रूप में बाहर निकलेगी। तो वो निकलती है हमारे स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, कुछ और पिगमेंटेशन, एक्ने, पिंपल, तो इस रूप में वो बाहर निकलती है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें इवनिंग में जो खाते हैं उसके बाद हमें पूरा लंबा गैप देना है अपने खाने के बीच में, देन हमको मॉर्निंग में फिर खाना है। तो 14 घंटा एटलीस्ट
अगर 16 आवर्स नहीं होते हैं तो 14 घंटा एटलीस्ट हमें कुछ नहीं खाना चाहिए, और हमें जब हमारा खाना पच रहा होता है उसके बाद खाना चाहिए। सुबह भी ऐसा नहीं, नाश्ता किया फिर कुछ खा लिया फिर खा लिया, लंच किया, बिल्कुल भी गैप नहीं देते। हम क्या करते हैं, मॉर्निंग में खाया फिर लंच हैवी ले लेते हैं, डिनर हैवी ले लेते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूस ये सब ज़्यादा लेने चाहिए जो हमें नेचर दे रहा है। सो खाना वो ले जो हमको आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, जैसे रस भरा खाना ले। रस भरा खाना क्या होता है, जिनमें रस होता है, जैसे मतलब खीरा हो गया उसमें रस होता है, और लौकी हो गई उसमें रस होता है, फ्रूट्स हो गए उनमें रस होता है। तो ये सब खाना क्या होता है, हमको बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। और अपने खाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट ये सब ज़्यादा ले, ग्रेन्स ले, मैदा, ऑयली जंक फूड ये सब बंद कर दे। अगर आप 1 मंथ के लिए भी ये सब बंद करते हैं तो डेफिनेटली आपके पिंपल्स कम हो जाएंगे, आपके स्किन में आप फर्क देखेंगे कि खाने की कुछ आदतें चेंज करने के बाद स्किन में कितना फर्क होता है, कितना ग्लो आ जाता है, एक्ने पिंपल होना बंद हो जाते हैं। सो गाइज, ये थी हमारी कुछ टिप्स जिन पे ध्यान देके हम डेफिनेटली अपने स्किन को अच्छा कर सकते हैं, अपने पिंपल्स को ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरी बात ये थी कि बार बार अपने फेस को नहीं धोए, बहुत ज़्यादा केमिकल वाले फेस वॉश यूज़ नहीं करें। नॉर्मली भी फेस वॉश कम ही यूज़ करना चाहिए, जितना हो सके ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो मार्केट में होती है। केमिकल पढ़ लेना चाहिए, जब हम कुछ चीज़ लेते हैं तो उसको पीछे से पढ़ के फिर लाना चाहिए। सब कुछ लिखा हुआ होता है कि कौन कौन से केमिकल्स उनमें होते हैं, तो केमिकल्स फ्री चीज़ें यूज़ करें फेस वॉश का। और अपने पूरी बॉडी का स्क्रब करने का एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है जो सबके घर में इजीली होता है। क्या करें, बेसन ले, जहाँ हम फेस वॉश करते हैं अपने बाथरूम में ही रख ले एक डिब्बे में भर के थोड़ा सा बेसन। जब भी हमको फेस वॉश करना होता है थोड़ा हाथ में बेसन ले, थोड़ा पानी ले और पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर ले और फिर उसको अच्छे से रगड़ के धो ले। ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है, इसमें ना कोई केमिकल होता है ना कोई बॉडी में केमिकल जाता है हमारे, और ये बहुत अच्छा उपाय है क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सेकंड चीज़ है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी को भी हम ऐसे ही लेके फेस पे लगा के फेस वॉश कर सकते हैं, जिससे क्या होती है हमारी स्किन कम से कम केमिकल के कॉन्टेक्ट में आती है। तो गाइज ऐसा करके देखिए, डेफिनेटली स्किन 1 मंथ के अंदर अच्छी होगी ही होगी। ये गाइज मैं लूँगी थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा पानी, और पहले मैं अपने हैंड्स साफ कर लूँगा, पहले अपने हैंड साफ करना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं थोड़ा सा बेसन लूँगी, थोड़ा सा पानी लूँगी, ऐसे करूँगी, फिर मैं लगाऊँगी फेस पे। इससे इजीली आराम से बहुत ही अच्छा क्लीन हो जाता है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।